सबसे पहले आमिर साहब, मुबारक हो, फाइनली पंजाब का निगरान वज़ीरे आला चुन लिया गया। मुझे मुबारक तो ऐसे दे रहे हैं जैसे मेरा कोई रिश्तेदार है, मगर संजीदा बात क्या तकलीफ दे बात ये है कि इस वक्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। एक तो लिटरल अंधेरा है कि पिछले 14 घंटे अब हो गए हैं मुल्क के अंदर, जो है ना, बिजली बंद है, अस्पताल बंद है, एयरपोर्ट बंद है, ट्रेनें बंद है, सब कुछ बंद है। ग्रेजुअली आना उस पे शुरू उस कर पे दिया। उस पे तफसीली बात करेंगे। फिर मुआशी अंधेरा नज़र आ रहा है, रोज़ कोई बुरी खबर आ जाती है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने पॉलिसी रेट जो है मज़ीद बढ़ा दिया है, महंगाई के चीज़ें बढ़ रही हैं, हर तेल पानी की मुआशी कुछ नज़र नहीं आ रहा सोल्यूशन के वो अंधेरा है। और तीसरा जो है वो सियासी अंधेरा है आई टोटली एग्री। कि आप कहीं भी देख लें पूरे पाकिस्तान में बेयकीनी, अदम इस्तेहकामी, सारा कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। जिसके पास भी चले जाएं वो पूछते हैं, वो समझते हैं कि साफियों को बहुत ज़्यादा पता होता है। पता होता है मगर इतना भी नहीं जितना लोग समझते हैं। तो जिनका हमारा ख्याल होता है, जिनको हमारे से ज़्यादा पता है, तो इनसे पहले कि वो हम उनसे पूछें वो पूछ लेते हैं कि होएगा, जी क्या हो रहा है मुल्क में। तो ये सियासी अंधेरा। और फिर उसके बाद आप देखें कोई कोशिश भी नहीं करता, कोई ना एस्टेब्लिशमेंट ना मुल्क की कोई मेजर पार्टीज के इस अंधेरे को थोड़ा सा क्लियर करें। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आपस में बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल होना चाहिए। और मोहसिन नकवी राइट उसकी बेहतरीन एग्जांपल हैं। मोहसिन नकवी जो हैं उनके ऊपर इसलिए भी ये अंदाज़ा था कि ये मसला बनेगा ही बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सिवाय नजम सेठी के और आपको बाकी के टेकर दूसरे सूबों के या इवन इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर, ज़रा सा जेन में ज़ोर डालना पड़ता है याद करने के लिए। ये बात आपकी नजम सेठी दुरुस्त का है। नाम याद है क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुए, और उसके बाद वो क्योंकि उन्होंने पीसीबी की नौकरी भी ले ली, और इलेक्शन का प्रोसेस और पूरी सियासत उसकी नज़र अभी तक चलती आ रही है। इनके मुतल्लिक कह रहे हैं कि ये नजम सेठी प्लस हैं, और वो मेरा ख्याल आपको नज़र आ जाएगा। ये देखे ना, ये जो दिखाए जा रहे स्क्रीन पे इस वक्त कि ये नवाज शरीफ साहब के लंदन घर से निकल रहे हैं, फिर वो मेरा क्लिप भी अगर आप मेरे दिखा पास एक दें, क्लिप भी वो मौजूद है। क्लिप अगर बिल्कुल, दिखा ही देंगे जिसमें वो बेटा कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब और परवेज वो लाई क्यों साहब बेटा भी आ कह रहे रहे हैं, हैं, कहां पर कह रहे हैं, कौन कौन उनके हमराह है? तो ये मेरा दिखा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप आपके पास मौजूद है। ये नजर भी आ रहा है आमिर साहब, ये देखें। जी। इसकी इसकी साउंड बड़ी मज़ेदार है कि मेरा तो ये बेटा है, जरदारी साहब तो के हैं। आपका रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार सिर्फ परवेज़ इलाही साहब का नहीं है, शुजात साहब की बेगम साहबा का भी ये भांजा है, इनका भी भांजा सालिक है, हुसैन साहब सालिक का हुसैन का हमसलसल है। हमजुल्फ़ है, सबकी आपस में बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ हुई हुई हैं। तो उसके अलावा जो है इनका एक पूरा आप देखें काफ़ी सारे सवाल हैं इनके ऊपर। एक सवाल ये है कि ये एक आप देखें CNN की लॉजिस्टिक्स के इंचार्ज थे, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह होगी, 1-4 सालों में ये अरबपति खरबपति बन गए हैं, चैनलों के मालिक हैं, पावर ब्रोकर, व्हीलर डीलर, आसिफ जरदारी के भी आगे उनके साथ भी तल्लुकात, हर एक के साथ तल्लुकात, और एकदम सबसे बड़े पाकिस्तान के प्लेयर बन गए कि इनके ऊपर कंसेंसस था कि इनको ये करवाना है बहुत ज़्यादा। दूसरा इनका जो है अभी जाहिर है PTI ने रिएक्ट करना था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सड़कों पे जा रहे हैं, कल वो से फिर ना उसके बाद और भी एहतजाज कर रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, अदालत में भी जा रहे हैं कि जी ये इनके ऊपर क्योंकि कुछ कानूनी मसाइल भी हैं इनके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो वॉलंट्री रिटर्न इन्होंने हारिस बदनाम ज़माना हारिस स्टील केस था उसके अंदर इन्होंने 35 लाख रुपया वॉलंट्री रिटर्न किया था। फैंसी वर्ड्स ना कहें, आपने प्ली बार्गेन की प्ली नहीं 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 थी। नहीं ये मैं समझा दूं कि हाँ प्ली बार्गेन और वॉलंट्री रिटर्न में फ़र्क होता है। अच्छा, वॉलंट्री रिटर्न होता है कि जब आपकी इंक्वायरी शुरू होती है तो आप खुद पैसे दे दें, आप नहीं कि जनाब ये मैं हाजिर हूँ मैं तो तस्लीम कर वो रहा मैं हूं। तस्लीम कर रहा हूँ कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है वापस ले लें। और प्ली बार्गेन होता है कि उस स्टेज से जब आपसे वो ना करें और ठीक, बाद में करें, और दोनों की सजा में फ़र्क ये है कि प्ली बार्गेन के अंदर आप कन्विक्शन कहलाती है जिसके बाद कोई आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। वॉलंट्री रिटर्न में पहले ये सूरत हाल थी कि आपकी कन्विक्शन नहीं होती थी, आपके अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते थे क्योंकि आपने अपना जुर्म मान के पैसे वापस कर दिए। मगर
2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई, ये सवाल आया कि एक आदमी ने पैसे वापस किए हैं, आप कैसे उसको ज़िंदगी गुजारने देंगे। तो उसके बाद ये आया कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है ना, वो अगर वॉलंटरी रिटर्न भी करेगा तो वो उसके अंदर भी कन्विक्शन मानी जाएगी, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। पर इसके अंदर जो इसके ये एक कानूनी बहस चल रही है उस पर, इसके खिलाफ जो दो चार दे रही है अदालत ने, ऑफकोर्स फैसला करना होगा जब भी अदालत के पास ये केस आएगा। पर एक वो कह रहे हैं कि जनाब शायद अब ये देखना कि पब्लिक ऑफिस के अंदर जो केयर टेकर का चीफ मिनिस्टर है वो आता है या नहीं आता। दूसरा एक और कानूनी जो लोग ये आर्गूमेंट भी दिया जा रहा है कि फैसला 2017 में आया जबकि पैसे इन्होंने दिए थे वो 2014 में गालबन दिए थे, पहले दो चार साल पहले दिए थे। अच्छा। तो वो जो कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्या उस फैसले आने से जो पहले के फैसले हैं उस पे इसका असरअंदाजी होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये अदालत में जाके अब ये फैसला होगा, ये चली गई बात है। मगर मेरे जैसे कई लोग वो ये कह रहे हैं कि इनको अदालत में नहीं जाना चाहिए था पीटीआई को। एक तो ये कि ये बहाना बना के अभी ये बातें इस तरह की सुनने में आती हैं कि हालांकि आईन में बड़ा क्लियर है कि हेल और शाइन, चाहे आंधी आए तूफान आए, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा में करवाने हैं। मगर एक पहले ही आर्गुमेंट लिया जा रहा था, मैं काफ़ी अरसे से वाइस शायद अच्छा था जो शोर में चाह रहा था कि सेंसेस के ऊपर ये इशू बनेगा तो ये भी एक ग्राउंड बनाई जा सकती है। फिर इनका ही केस पे आज मैं सुन रहा था इरफान कादिर साहब को, वो मालिक मोहम्मद मालिक साहब के शो में वो ये कह रहे थे कि जनाब ये देखें, ये तो खुद कह रहे हैं कि ये आप अगर केयर टेकर मिनिस्टर के ऊपर ये लंबा मुकदमा चल जाता है तो ये भी एक ग्राउंड बन सकती है लटकाने की, कि वैलिड ग्राउंड्स हों तो क्या ये आयरन क्लैड है, क्या ये पत्थर पर लकीर है कि ये 90 दिन में होना है, या ऐसी वजूहत हो सकती है अगर वैलिड रीजंस हों कि जनाब अदालत ये फैसला कर सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। मगर ये रिस्क ही क्यों पीटीआई ले, पहली बात। दूसरी मैं समझता हूँ एक सियासी बात है, सियासी आर्गूमेंट है। मेरा ये जाती ख्याल है कि जो आपने रिगिंग करनी होती है, रिग करना होता है सिस्टम में, झुरलू फेरना होता है ना, जैसे झुरलू कहा जाता है, तो झुरलू के लिए ना चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं होती। आपको जो करना होता है झुरलू वो आपने चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस और उनके नीचे जो है ना डीपीओ डीसी इन लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए करवाया जाता है, झुरलू करवाया जाता है। और ये दोनों जो बड़े होते हैं आईजी के और चीफ सेक्रेटरी के, ये वफाक लगाता है। और ये हमने माजी में देखा है, इस तरह अभी हाल ही में परवेज़ इलाही साहब उन्होंने तकरीबन गैर मौसर कर दिए थे क्योंकि अपनी मर्ज़ी के चीफ सेक्रेटरी और आईजी वो लगा लिए थे और वो आईजी बेचारा कोई भाग जाता था, रिजाइन कर देता था। आईजी की तब्दीली के इम्कानात हैं वो इसलिए आप बगैर चीफ मिनिस्टर के भी ये तासुर देते, उनकी मर्जी का लगा देते और जो झुल्लू आप फेरना था वो आप फेर सकते थे। ये तो ये एक पीपल्स शोर मचाते ही है, बेशक जो मचाएंगे सड़कों में भी आ रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी के ये खराबी है, मोहसिन नकवी की वो खराबियाँ हैं, मगर वो आप अदालत में ना जाते इनको सूट करता है पीटीआई को, क्योंकि इनानी केस इन्होंने ये शोर मचाना ही था, ये काफ़ी अरसे से मचा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं मेरे पे रेड लाइन लग गई है और ये मुझे नहीं होने देंगे, ये दादली हमारे से प्री रिगिंग हो रही है, बला 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 बला। मोहसिन नकवी इनको सूट करता है, अगर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल केपी के अंदर आजम खान साहब लग गए हैं तो कोई वहाँ इशू नहीं है, वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कल को ये कहें रिगिंग तो कहेंगे जनाब आप तो तारीफें कर रहे थे कि बहुत आपके कंसेंसस के साथ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया गया था, तो आप क्यों ये शोर मचा रहे हैं।